वेलकम बैक टू द चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो आज जो मोबाइल में अनबॉक्स करने लगा वो Huawei Y6P है, बिल्कुल नया भी लॉन्च हुआ है। तो जो कलर मेरे पास है वो फैंटम पर्पल है। तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है, इसकी रोम 64 GB और 3 GB रैम है। और Huawei Y6P ये बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है। और ये बॉक्स है इसका, अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। तो ये कहते हैं इसके अंदर गूगल सपोर्टेड नहीं, लेकिन इसके अंदर इनकी अपनी ऐप गैलरी है, मतलब गूगल का इसमें कोई चक्कर नहीं, ऐप स्टोर है। तो ये अभी मैंने अनबॉक्स नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं सील है। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं कटर से, इसमें लाया रखना है। तो ये मैंने खोल लिया है। ये सबसे पहले हमें ये मिल जाता है, डिफरेंट वेज टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो ये साइड पे रख देते हैं। साथ में एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और एयरलिंक की भी वारंटी है। सेलेक्ट अनबॉक्स इट। तो दिस इज द मेन थिंग। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, देखिए अभी भी सील लगी हुई है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं सील को। तो ये सील मैंने ओपन कर लिया, अब हम इस डिवाइस के ये बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या है। तो आई एम सो एक्साइटेड, देखते हैं इसका कैसा कलर होता है। मैंने ये अपने यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए मंगवाया है, तो मेरे पास मैंने कहा ज़रा अच्छा अपना रिजल्ट अच्छा कर लें। तो सबसे पहले हमें डिवाइस देखने को मिलती है Huawei Y6P। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम इधर रख देंगे, ये मेरे पास है, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। तो बॉक्स के अंदर देखें तो ये 3 स्टिकर्स मिल जाते हैं। और इसके अगर हम इसको खोल के देखते हैं तो हमें मिल जाता है एक सिम इंजेक्टिंग की पिन और साथ में एक क्विक स्टार्ट गाइड। तो हम इसको दोबारा रख देते हैं वापस, क्योंकि ये तो मैं नहीं पढ़ता। साथ में एक मिल जाती है केबल चार्जिंग की, साथ में एक पोर्ट मिल जाती है, तो ये एक्सटेंडेबल है यहाँ से। और साइड्स पे ये हैंड फ्रीज है, ये जो नॉर्मल होती हैं, तो इनको वापस रख देता हूँ मैं। और इस साइड पे इधर कुछ भी नहीं है। तो ये है Huawei Y6P का सारा बॉक्स है। तो अब मैं मोबाइल को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं बॉक्स को ज़रा ये जगह बॉक्स बंद करके साइड पे कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी रैपिंग मैंने अनफोल्ड कर ली है। तो इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, फैंटम पर्पल कलर है। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी शाइन कितनी कमाल की। और ये प्लास्टिक बेल्ट है, इधर से मुझे इधर से भी प्लास्टिक है या ग्लास है, लेकिन साइड प्लास्टिक है। और इसके बटन्स भी पर्पल कलर में, वरना होता ही है कि ब्लैक कलर में बटन आते हैं, तो ये पूरा फैंटम पर्पल कलर है इसका। और फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, और 5000 mAh की इसकी बिग बैटरी है, 13 MP का ट्रिपल कैमरा, 64 GB का बिग स्टोरेज है, और 6.3 का कलरफुल डिस्प्ले। तो अब हम इसको यहाँ से इसकी स्टिकर उतार लेते हैं हम इसका। तो हमने उतार लिया, तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। तो ये हमने स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहले ये Huawei आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका कलर बहुत अच्छा है। इसके पीछे भी एक स्टिकर लगा हुआ जो मैं बाद में उतार दूंगा। इसका ट्रिपल कैमरा है, बहुत अच्छा सेट है ये। और इसके ऊपर ये इसकी वॉइस है, जब ऑन करते हैं तो इसके अंदर बिल्ट इन आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट, देखते हैं इसका क्या क्या फंक्शन है। मैं पहले देखा, मैंने बड़े देर बाद ही स्मार्टफोन यूज़ किया है, वरना पहले मैं सैमसंग यूज़ कर रहा था और फिर मैंने एप्पल यूज़ करना शुरू कर दिया, Huawei फिर मैंने इतना नहीं यूज़ किया। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। उसका जो कीबोर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा लिख रहा है, स्मूथ है, और इसकी स्क्रीन में कोई भी लैग नहीं आ रहा मुझे, अभी तक कोई लैग नहीं मिला मुझे, और ये काफ़ी स्मूथ है इसका डिस्प्ले। तो मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं सेटअप। तो ये नेक्स्ट लेटर
तो ये इसका फोटो है, सबसे पहले तो हमें फोटो मिल जाता है। तो इसका कैमरा रिजल्ट काफी अच्छा, आप लोग इधर देख सकते हैं, मुझे नहीं पता लग रहा आप लोगों को नजर आ रहा है। इसका वीडियो कैमरा रिजल्ट कैसा है? अच्छा है इसका वीडियो कैमरा रिजल्ट भी। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं इससे क्लिप शूट करके देखता हूँ कैसी आती है। तो ये सैम्पल क्लिप मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसका कैमरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं इम्प्रेस्ड। तो अब फ्रंट कैमरा रिजल्ट चेक करते हैं। तो अब हम इसका फ्रंट कैमरा कर लेते हैं। तो आप लोग फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी देख सकते हैं, ये मोबाइल का बहुत, तो ये आप लोग देख सकते हैं 6P का सिक्स फ्रंट पी का कैमरा फ्रंट रिजल्ट, कैमरा बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट रिजल्ट है। है। तो ये इसका कैमरा रिजल्ट था। तो अब इसके अंदर हम लोगों को गेम्स मिल जाती हैं, कैंसर, अब हमें इसके अंदर गेम्स मिल जाती हैं, ये देखिए इसके अंदर गेम्स हमें मिल जाती हैं, और ये काफी अच्छा। तो इसके अंदर हमें यूट्यूब वगैरह नहीं इंस्टॉल मिलता, तो वो हमें करना पड़ता है। तो ये हवावे Y6P बहुत अच्छा मोबाइल है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इतना महंगा नहीं है। अगर आप लोगों की बजट मोबाइल चाहिए 20,000 आपकी रेंज है, 25 तक, तो ये आप लोगों को 20,899 रुपीज़ का मिल जाएगा मार्केट से। और अगर आप लोग मार्केट में जाते तो आपको 20,500 तक मिल जाएगा। ये बेस्ट बजट मोबाइल है अंडर 25,000। तो अंडर 20,000 भी हम कह सकते हैं, सिर्फ 2-5 800 रुपये ऊपर है सिर्फ। तो ये बेस्ट बजट मोबाइल है। उसका कलर आप लोग देखें ज़रा, ये कलर के तो सारे पैसे हैं। तो ये इसकी स्क्रीन है, तो इसके अंदर इनकी ऐप गैलरी है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा। तो इसकी ऐप गैलरी, इसके अंदर प्ले स्टोर नहीं है, बस प्ले स्टोर नहीं है। इसके अंदर ऐप, इसके अंदर से हम वो डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक, जो मतलब जो मोबाइल के अंदर चीज़ें होती हैं वो हो जाती है इसके अंदर, जैसे स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ हो जाता है वो। तो हमें हवावे आईडी इसके अंदर आप लोगों को बनानी पड़ेगी अपनी हवावे आईडी। तो ये आप लोग देख सकते हैं हवावे Y6P, इसके पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो इसका कैमरा है ये बहुत अच्छा। तो ये इसके पीछे स्टिकर लगा हुआ, और ये इसका कैमरा बहुत अच्छा कैमरा रिजल्ट है, आप लोगों ने देख लिया। तो ये इसका कलर है। तो ये हवावे Y6P बेस्ट बजट मोबाइल है। अगर आप लोग मोबाइल सर्च कर रहे थे तो ये बेस्ट मोबाइल है बजट के अंदर, और पर्सनली मैं इससे बहुत इंप्रेस हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो करना है करो, वो सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।